वेलकम टू माय मम्मा यूट्यूब चैनल। बज गए हैं 7:15। मैंने सुबह ज़हरा से कहा था कि ज़हरा आप जो है ना कोई हेयर स्टाइल बनाती हो, जो भी हेयर स्टाइल बनाती हो उसकी वीडियो शूट कर लिया करो। तो आज उसने मेरे लिए वीडियो शूट कर ली, क्योंकि जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये हेयर स्टाइल है, स्कूल में भी बना के जा सकते हैं और बहुत अच्छा सा बनाती है ये। पहले मैं बनाती थी लेकिन अब माशाल्लाह खुद से बना लेती है, तो बहुत अच्छा ट्विस्ट करके और बहुत अच्छे से बना लेती है। 2-3 स्टाइल आते हैं इसको, हेयर स्टाइल जो लॉन्ग हेयर्स में बनते हैं, तो वो बना रही है अभी। इसको जो है ना ट्विस्ट करना है और वो इसमें बता भी रही है ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, ऐसे 2 पार्टीशन करके फिर उसको ट्विस्ट करके फिर उसको जो है ना बॉबी पिन से उसको सिक्योर कर लेना और 2 पिनों से सिक्योर करना, तो दूसरी तरफ भी बना लेगी फिर ये। अब माशाल्लाह मैं उस फेज में हूँ कि मेरे बच्चे खुद से अपना काम कर लेते हैं काफ़ी हद तक। तो पहले ये होता था कि बच्चे छोटे थे तो बहुत प्रॉब्लम होती, तो अब ऐसा लगता है लोगों को कि मैं बहुत इजी मेरी लाइफ हो गई है। बड़े बच्चों के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं बड़े बच्चे बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ है कि इंसान के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके अलग अलग मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स चलते हैं। तो यहाँ पर ये इसको ब्रेड कर लेगी और वो हेयर स्टाइल ट्विस्टेड ऊपर बना लेगी और नीचे अपने हेयर्स को इसने ब्रेड कर लिया, फिर टाई करके फिर दैट सेट हो जाएगा इसका हेयर स्टाइल कंप्लीट। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि इसने खुद ने भी की है, लेकिन अगर आपको समझ में आया हो तो प्यारी सी वाटर बोतल भर लेते हैं। कितनी क्यूट है देखो। और ओए पोने हो गए और कितना मैं हूं लेट, मैं आपसे मिलती हूं स्कूल से आने के बाद। तो भी दिल से काम करती है। अच्छा इतना अच्छा करके जाती है, साथ ही बोलता हूं आज घर तक चला जाए। मुझे एक बात बता, तुम आपस में इतना झगड़ा क्यों करते हो? कल तो सारा काम जो है वो मक्कू ने कर लिया था। मासी आई थी। कल मासी हो चाहते हो तू भजी वही हुई है, जल्दी जल्दी चली गई थी मासी। क्या क्या हुआ था? ऐसे आए हैं बहुत सारे तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन एक आध कमेंट ऐसा आया जिससे था कि आप जो है ना सितारा यासीन पे तो आपने कोई बात ही नहीं की, ना सलमा पे आपने बात की। अब आप मुझे ये बताएं इतना वाहियात किस्म का जो है ये इशू है जिसके ऊपर अगर हम बात करेंगे मतलब ठीक लगता है क्या? एग्जिस्टिंग नहीं है ये चीज़ें, ये चीज़ें होती रहती हैं।
लेकिन क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ, किसी की डिवोर्स हो गई तो पहली दफ़ा हुई है, तो जो लोगों ने ये रायता फैलाया वही रायता इसको समेटेंगे। हम लोग किसी पे बात करके मतलब क्या कर लेंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर सितारा की एक बात करूँगी क्योंकि मैंने उसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है, और उसकी एक बात बहुत अच्छी है कि उसने तमाम अपने फैमिली मेम्बर्स और उनके अलावा भी चैनल्स बना के दिए और उनकी रोज़ी रोज़गार के लिए एक वसीला बनी है वो मानने। अगर ऐसी कोई बात थी भी उसकी बहन के में तो उसको चाहिए था कि वो अकेले में सॉर्ट आउट करते, ना कि वो लोग जो है मीडिया पे इस मसले को लेकर आते, फ्लड पे बात कर सकते। अभी मुल्क में तबाहियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान में इतनी लोग तकलीफ में हैं, और हम लोग बात करने चलेंगे सितारा यासीन और सलमा यासीन की, तो ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। इस वजह से मैं उसके हेटर्स में से हो जाऊं या फिर मैं जो है उसके सपोर्टर्स में से हो जाऊं, तो आप जो है ना वो वीडियो देखेंगे, मतलब मेरा तो कोई कंटेंट नहीं है। इस वजह से इस मुतालिक बात नहीं है, मैं अपना कंटेंट है मेरा, अपने लोग हैं, बस इसी वजह से मैं वीडियोज़ बना भी देती हूँ। और बाकी मुझे बस यही बात करनी थी, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरा उनमें दिल है, जो दुनिया से हट के है ना आउट ऑफ द वे जाके मुझे उनसे मोहब्बत है। अच्छा जी, अभी जा रहे हैं हम ज़ायरा को ट्यूशन छोड़ने के लिए, अभी बज रहे हैं 5:30, तो घड़ी में मिलता है फिर। ऐसा लगेगा आप लोगों को जैसे ना फ्री में बट रही है कढ़ाई।
इतनी कोई बेहतरीन इनकी कढ़ाई होती है, फैमिली के लिए बैठने के लिए जगह, लेकिन कभी भी सीट नहीं मिलती है। और बुकिंग भी हम लोग हालांकि घर से करवा के जाते हैं एक डेढ़ घंटे पहले, बोर्ड लगाया हुआ देते किसी को, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे पंजाब हो, या हमारा अंदरून सिंध हो, या हैदराबाद हो, इस तरह के तमाम लोग आपकी इमदाद के मुंतजर हैं। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है हैदराबाद के प्लेटफॉर्म से कि आप आए और इन तारा खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि हम इंसानियत को बचा सकें, इंसान को बचा सकें। आपका दिया हुआ एक दूध का डब्बा भी किसी की जान बचा सकता है। आपका हिस्सा लीजिए, आप बिल्कुल भी शर्म ना करें, आप जो आपकी हैसियत है चाहे कुछ ले लिया है, मुर्गी ले ली है, नींबू ले लिए हैं, क्योंकि डाइटिंग मैं कर रही हूँ आज कल। सो मीठी एक मैं फास्ट बनाती हूँ, तो मैं अगर आप लोग कमेंट आएंगे तो शेयर करूँगी। पहले भी किसी का आया नहीं था इस हवाले से, मेरे ख्याल में कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है। मीठी ले ली है तो प्याज गरीबों की दिख रहा है कि नहीं सूरज, ना कोई प्यारा घासों के किस्म का लग रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन। ये कह रही थी कि आप लोग कह रहे थे वो हाउस टूर दे दें, तो ये है कि पूरा पूरा हाउस टूर देना तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन कभी मैं ड्राइंग रूम का दिखा दिया, कभी मैं लिविंग एरिया तो दिखाती रहती हूँ आप लोगों को, डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, कभी वो दिखा दिया बस ऐसी करके मैं ये हाउस टूर भी दे दूँगी। और डाइटिंग में अगर ट्रैफिक आ गया बहुत, ना पानी है बेचारा अच्छा, इसमें आवाज नहीं आई होगी बाजी। तो गाड़ी सारी टूट जाएगी, बंद कर लो बाजी। ये देखो ना आगे ट्रैफिक देख के कितना ज्यादा, ये देख लो यही तो गाड़ी का ही छतिया ना, छोटी सी गाड़ी है, ये देखो थोड़ा सा ये वाला रोड इस तरफ से खराब है, थोड़ा सा बाजी पूरा लेके आगे भी ऐसे पीछे भी बहुत ज्यादा फट, ये तो रोड बनाते नहीं है पता कैसे रोड बनाते हैं, और ये इतना नाकिस किस्म का बनाते हैं नहीं, वो बस थोड़ा सा पानी आने के बाद जो है ना वो, अभी मैंने देखा बाजी बजा था उनका वीडियो में, हाँ मैं लेके भी नहीं गई था अभी तुझे, इंशाल्लाह चेक कर जाऊंगा, हाँ बहरिया मैं तुझे लेके चलूंगी और ये भी दिखाऊंगी, और जो घर लिया उसको वो भी दिखाऊंगी। अभी उसका भी रोड मैंने देखा बेरिया टाउन, इतना कोई अच्छा साफ, मेरी गाड़ी तो नहीं गुजर सकती। ये देखो ये कितने दिन हो गए, आज से 7 दिन हो गया मैं देख रहा हूँ, ये किसी को बात करे भी नहीं है, ऐसे ही लेके बैठ, ये जो राशन गरीबों का आया नहीं, नहीं बाजी ऐसे ही लेके बैठे, पता नहीं क्यों अभी गरीबों का आया तो देखे जान छुड़ा देखे जान नहीं छुड़ा, हाँ और लेके बैठे सब यही करेंगे, आप
अभी बाकी गरीबों के नाम पे लेके खुद खाएं। ऐसा नहीं होता कि देते भी होंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक समझा है ना, वो तो यही है कि ये लोग ना खुद ही खा जाते। अभी बिरजिन के जो 25-25 हजार आए बाजी, उसमें बता रहे हैं दो दो तीन तीन चार चार हजार पे निकाल लेते हैं, दूसरे देते हैं, बाकी के नहीं देते। ये क्यों नहीं बाजी देते? देखो ना, ये भी करप्शन है। अभी मैंने छोटे वाले मोबाइल में भी लोग देखा बाजी। हाँ। एक औरत जो बैंक में पैसे निकाल के देता जा रहा है, उसको गालियां दे रही थी। अच्छा। बता तो गरीबों के पैसे आए तुम खा रहे हो, वो किसी के देते हैं किसी के नहीं देते हैं, ये क्या हो जाओ? कितना दिन खाएंगे गरीबों के पैसे, क्या मिलेगा इनको? चल अल्लाह ही।